दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक की जरूर कीजिएगा। और अब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह से लेकर रोहित शर्मा को धन्यवाद करते हुए नीता अंबानी ने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों रोहित शर्मा की जगह हार्दिक बने कप्तान? ऐसा क्या कुछ बताया है नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को नम आंखों से विदा करते हुए? रोहित के फैंस के दिल तोड़ने वाले उनके पूरे बयान को हम आपको जरूर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और हार्दिक में किसे होना चाहिए मुंबई का कप्तान? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का ऑक्शन कुछ दिनों में होने वाला है और उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़कर मुंबई इंडियंस में वापसी का फैसला किया था और तभी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब मुंबई इंडियंस की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है। टीम की से बयान दिया गया कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 में टीम का कप्तान बनाया गया है और एक ट्रांजिशन फेज स्टार्ट किया गया। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की जगह लेंगे। बता दें, रोहित शर्मा साल 2013 से ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे और पिछले 10 साल में वो आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक गिने जाते थे। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप 2023 में मिली हार के बाद से ही ये अंदेशा लग रहा था कि रोहित इस बार आईपीएल में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साल 2013 में जब रिकी की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम स्ट्रगल कर रही थी, तब रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई थी। उसके बाद से ही रोहित शर्मा लगातार मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब 10 सालों के बाद इस सफर का अंत हो रहा है। 36 साल के रोहित शर्मा की ओर से शायद आईपीएल में भी ट्रांजिशन फेज स्टार्ट कर दिया गया है। तभी ये कठिन फैसला लिया गया जब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके मुंबई इंडियंस के साथ लाया गया। तभी ये साफ हो गया था कि हार्दिक को लेकर मुंबई इंडियंस का काफी बड़ा प्लान है। बता दें कि हार्दिक पांड्या को ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपए की फीस के साथ गुजरात टाइटन से ट्रेड कर लिया। ये खबर सुनकर तो रोहित के फैंस का दिल टूट गया, लेकिन अब खुद नीता अंबानी ने भी इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, नीता अंबानी ने कहा कि हम रोहित शर्मा के बतौर कप्तान शानदार करियर के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत अब हार्दिक को कप्तान बनाया गया है। मुंबई इंडियंस में सचिन से हरभजन और रिकी से रोहित के तौर पर लीडर्स आए हैं और अब हार्दिक पांड्या की बारी है। तो केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि रोहित, जब साल 2013 में आप कप्तान बने थे तब आपने हमसे भरोसा करने को कहा था। जीत या हार कुछ भी हो, आपने हमें स्माइल करना सिखाया था। 10 साल 6 ट्रॉफी और आपकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। आप हमेशा हमारे कप्तान रहेंगे। ब्लू और गोल्ड में आपकी लेगेसी हमेशा फॉलो की जाएगी। थैंक यू रोहित। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के साल 2024 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया और उनकी गिनती इस लीग के दिग्गज खिलाड़ियों में की जाती है। वहीं पिछले 2 सीजन गुजरात टाइटंस टीम की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑक्शन से पहले मुंबई ने 15 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या को गुजरात से ट्रेड करते हुए अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था। हार्दिक पांड्या ने साल 2015 में मुंबई इंडियंस की टीम से ही आईपीएल में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने साल 2021 तक के इस सीजन में टीम की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन करने के साथ टीम इंडिया में भी अपनी जगह को पूरी तरह से पक्का कर लिया। साल 2022 के प्लेयर ऑक्शन से पहले हार्दिक को गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम का हिस्सा बनाने के साथ उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया था। इसके बाद गुजरात ने अपने पहले ही सीजन में हार्दिक की कप्तानी में खिताब को अपने नाम किया। वहीं पिछले आईपीएल सीजन में गुजरात ने फाइनल तक का सफर तय किया और बतौर कप्तान हार्दिक का अब तक आईपीएल के पिछले 2 सीजन में शानदार रिकॉर्ड देखने को मिला है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या की रोहित की तरह ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए टीम को फिर से खिताब जिताने में अहम भूमिका अदा करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया। रोहित के फैन नाराज है, मुंबई के चाहने वालों को दिल भी टूट गया है। वहीं इस फैसले के आग तो पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी है, जहां कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों के रिएक्शन में निकल कर सामने आए हैं। जी हां, सबसे पहले मैं शोएब अख्तर को कहना चाहता हूं कि आईपीएल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उससे भी बड़ा फैन मैं रोहित शर्मा का हूं। माशाल्लाह, वह एक बहुत बड़े खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक महान कप्तान भी है। मुंबई इंडियंस का फैसला उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। हार्दिक बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यदि आप रोहित की जगह हार्दिक को कप्तान बनाने की सोच रहे हैं, वह रोहित को सरपास करेगा तो यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं रोहित को हमेशा मिस करूंगा। वहीं वसीम अकरम का कहना है कि यह सब खेल का एक पार्ट है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि रोहित की कप्तानी और उनका खेल देखने को हमें सौभाग्य मिला, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए नियम के आगे कोई टिक नहीं पाता। अब समय आ चुका है रोहित अपने करियर को अलविदा कहें और हार्दिक एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। हाँ, ना ही वह रोहित के जितने चालाक कप्तान है और ना ही रोहित की तरह खतरनाक बल्लेबाज, लेकिन हार्दिक ने भी अच्छी सोच दिखाई है। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दोस्तों, शाहिद अफरीदी का रिएक्शन तो देखने लायक था। उनका कहना था कि मुंबई इंडियंस मेरी पसंदीदा टीम थी क्योंकि रोहित सचिन जैसे दिग्गज खिलाड़ी उसमें खेलते थे, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि रोहित के विकल्प के रूप में हार्दिक पांड्या पर भरोसा जता सकते हैं तो ये बेहद गलत है। अभी रोहित आराम से 2 से 3 साल आपके लिए खेल सकते थे, वह टीम में मौजूद भी है, फिर आपको नए कप्तान की जरूरत ही क्या है।
या मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल की शुरुआत हो सकती है। तो वहीं दोस्तों अंत में इंजमामुल हक का कहना है कि उस कप्तान को हटाना जिसने आपको 5 बार IPL चैंपियन बनाया अपने आप में बहुत कठिन फैसला रहा होगा, लेकिन भविष्य में सबको देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि हार्दिक रोहित जैसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान न हो, लेकिन मुंबई इंडियंस ने भविष्य के मद्देनजर यह किया है और वह हमेशा से ये करते आए, इसमें कोई भी बात नहीं है, नई नहीं है। हाँ, इससे मुंबई के रेपुटेशन, उनका फैन बेस जरूर प्रभावित हो सकता है और इस बात का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सफलता और प्यार रोहित को मिला उतना हार्दिक को शायद कभी न मिले। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक के कप्तान बनने की खुशी तो ज्यादातर किसी को नहीं है, हर कोई निराश है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ही ला दिया है और अब तो खुद रोहित ने भावुक होकर ऐसा खुलासा कर दिया है ना पांड्या, और अंबानी से लेकर पूरी मुंबई के मैनेजमेंट पर के सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। आखिरकार रोहित शर्मा वो इंसान जिसने मुंबई को 10 साल दिए, कप्तानी से हटाए जाने पर वर्ल्ड कप हारने के बाद वो क्या बोल गए अपने बयान में, उनके भावुक बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, पांड्या और रोहित शर्मा में मुंबई इंडियंस की टीम के लिए एक बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। 210 साल की मेहनत से रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की टीम को 5 ट्रॉफी तो दिलाई ही, साथ ही IPL की सबसे सफल टीम सबसे पहले बना दिया था, चेन्नई से भी पहले भी। रोहित शर्मा ने कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि रोहित शर्मा IPL के इतिहास में सबसे सफल कप्तान इसी टीम के बल पर बने और इस टीम को अपने साथ सफल बनाया भी। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने एक परिवार की तरह जोड़कर रखा हमेशा मुंबई इंडियंस की टीम को, और शायद यही वजह है कि इस टीम से भारत को भी इतने नायाब सितारे मिले कि रोहित शर्मा की तारीफ पूरी दुनिया में होने लगी। फिर चाहे हार्दिक पांड्या हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव या बुमराह ही क्यों ना हो, सब के सब रोहित शर्मा की छत्र छाया में ही तो आगे बढ़े हैं अपने जीवन में। लेकिन उसी मुंबई इंडियंस की टीम ने आज रोहित के साथ ऐसा विश्वासघात किया है कि पूरी दुनिया मुंबई इंडियंस व पांड्या के खिलाफ हो चली है, और ये सही भी है। 200 वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित शर्मा कितने भावुक थे, उनके दिन कैसे बीते वो एक भावुक वीडियो के जरिए बता चुके हैं। लेकिन अब तो मुंबई ने उन्हें एक ऐसा तगड़ा झटका दे दिया है ना, जिसे वो जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा ने जिस टीम को बच्चे की तरह पाला और उसको जिताने के लिए जी जान एक कर दी, आज उसी टीम के मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को बेदखल कर दिया है एक किस्म से। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित को कप्तानी से हटाकर पांड्या को कप्तानी सौंप डाली है केवल एक कारण के चलते कि वो उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप हरवा दिया। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा ने इस पर एक नया ट्विस्ट बयान किया है और अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए, भावुक होकर के सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई की कप्तानी पर से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने भावुक होकर अपने बयान में कहा, मेरे पास शब्द नहीं इस वक्त पर ये जो भी कुछ हुआ है उसे बयान करने के लिए। मुंबई इंडियंस की टीम मेरे लिए हमेशा से परिवार के तौर पर रही है, कभी भी मैंने इस टीम के लिए कोई भी पक्षपात नहीं किया, बल्कि शायद एक वक्त पर अपने देश से ज्यादा भी मैंने इस टीम के लिए मेहनत करी और जिताने का पूरा भरपूर प्रयास किया। शायद यही वजह है कि केवल मेरे नहीं बल्कि पूरी टीम के एकजुट प्रदर्शन के चलते हम लगातार कितनी बार IPL जीते और आगे भी जीते, परंतु लगता है कि अब मेरे कंधों पर मुंबई इंडियंस की टीम के मैनेजमेंट और साथ ही सीनियर प्लेयर्स को कोई भी भरोसा नहीं रहा है। उन्हें लग रहा होगा कि विश्व कप हराने वाला कप्तान भला हमें IPL की अब एक भी ट्रॉफी कैसे जिताएगा। खैर, बस इतना ही कहूंगा कि मेरी कप्तानी में हम 5 बार जीते हैं और जो कोई भी नया कप्तान बनेगा उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज वाकई में मेरे दिल से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार से अलग होने का गम केवल एक कप्तान ही बता सकता है। दोस्तों, रोहित शर्मा को साजिश करके टीम से हटाया गया है और पांड्या को तो टीम में लाया ही इसी के लिए गया था ताकि उन्हें मुंबई का कप्तान बना दिया जाए। वैसे मुंबई के इस फैसले ने और खासतौर पर अंबानी के इस फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खत्म हुआ है रोहित का दौर, अब हार्दिक के कंधों पर सौंपी गई है मुंबई की कमान। हार्दिक पांड्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, और मुंबई का कप्तान बनाने के बाद रोहित और मुंबई फ्रेंचाइजी को धन्यवाद करते हुए हार्दिक ने जो बयान जारी किया उनकी बातें सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो आखिर क्या है यार रोहित के लिए फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली खबर, कप्तान बनने के बाद ऐसा कौन सा ऐलान किया हार्दिक पांड्या ने, उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक और रोहित में किस मुंबई इंडियंस का कप्तान होना चाहिए था, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, IPL 2024 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने फैंस को चौंकाते हुए टीम के कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंप दी है। अब रोहित शर्मा नहीं बल्कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालेंगे। हार्दिक पांड्या इससे पहले IPL में गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर चुके हैं और खिताब भी जीत चुके हैं। इसके साथ ही हार्दिक टीम इंडिया के लिए भी T20 में कप्तानी की भूमिका निभा सके हैं, और इसके पहले हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के साथ औपचारिक ऐलान के बाद अपने घर मुंबई इंडियंस लौट आए। गुजरात टाइटंस ने रिटेंशन सूची में अपने IPL विजेता कप्तान का नाम रखा, जिससे काफी हैरानी हुई।
हार्दिक का ट्रेड ऑफ पूरा होने के बाद डील औपचारिक हो गई और वह एमआई खिलाड़ी बन गए। पिछले दो सीजन गुजराती टाइटंस के कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या को हाल ही में जब मुंबई ने शामिल किया तो सभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है और अब तो उन्हें आईपीएल 2024 के लिए कप्तान की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रोहित शर्मा पिछले 10 सालों से मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे थे। 19 दिसंबर को होने जा रहे मिनी ऑक्शन से पहले टीम ने उनको कप्तान बनाने की घोषणा की है और मुंबई इंडियंस की ओर से यह बड़ा बदलाव किया गया। बता दें कि हार्दिक पांड्या पहली बार मुंबई इंडियंस का हिस्सा साल 2015 बने थे और टीम ने उनको 10 लाख में खरीदा था।